जिस तरह से इनको मजबूर किया गया है नौकरी जिंदगी भर करने के बाद भी जिस उम्मीद में पेंशन इन्होंने जमा किया था ईपीएस के तहत वो कहीं ना कहीं 1500 रुपए इनको मिला उसमें क्या मेडिकल हो सकता है, क्या खाएंगे, क्या गैस खरीदेंगे, क्या सब्जी भाजी कर देंगे और क्या बच्चों को पढ़ाएंगे और क्या बेटी की शादी करेंगे। तो जीवन भर नौकरी करने के बाद हम कह सकते हैं कि आज के वक्त में इस देश के करोड़ों लोग जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, वो रोड पे ऑलरेडी आ चुके हैं और हम कह सकते हैं कि एक तरह से भीख मांगने के लायक भी लोगों को बक्सा नहीं है कि जिसने जीवन भर स्वाभिमान से जिया हो वो क्या इस उम्र में जाके भीख मांगेगा। आपकी ये बेटी, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी लड़ेगी। आज हम जीतते हैं तो हम बची खुची जिंदगी स्वाभिमान से जी सकते हैं। लाचार और जिल्लत की जिंदगी लाचार बनकर हम नहीं जीना चाहते। हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें ईपीएस 95 और सारी मांगे हम पूरी ताकत से डालेंगे। घर में बैठ के सरते सरते मरने से अच्छा है हम यहाँ बैठ के लड़ते लड़ते मरेंगे। उद्यापासून अमी आमरण अनशनवर बसणार आहे। ये चीज तुम्ही काळजी घ्या, आम्हाला जिवंत ठेवायचे की मारून टाकायचे तुम्ही ठरवा। इतकेच बोलतो आम्ही बसणार धन्यवाद धन्यवाद। उद्यापासून इथे अनेक लोक अनेक वृद्ध आमरण उपोषणावर याच स्टेजवर बसणार आहेत। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार अनशन धरने पे जो ये बैठे हुए हैं ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं। आज तो ये श्रृंखलाबद्ध अनशन पे थे आज तक, कल से आमरण अनशन पे बैठेंगे। कमांडर साहब आज जो आप लोग बैठे थे अब तक तो श्रृंखलाबद्ध अनशन पे थे, कल से आमरण अनशन पे बैठेंगे, क्या लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी, क्या सरकार को इससे फर्क पड़ेगा? सरकार अगर संवेदनशील है तो सरकार को फर्क पड़ना चाहिए। सरकार अगर निष्ठुर क्रूर और कठोर है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो जीतने पे तुले हैं। या तो हम मरे या जीते। आप देख सकते हैं कि 60-60 साल 70-70 साल के बुजुर्ग अनशन पे बैठेंगे, कमांडर अशोक राव जिनको लीड कर रहे हैं और लोगों का कम से कम 75 लाख से ज्यादा जो पेंशनर हैं और आप मान के चलिए कि 7.5 से 8 करोड़ लोग अंशदान कर रहे हैं तो उन सबों की उम्मीदों के साथ कमांडर साहब चल रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। कमांडर साहब कल से जो आमरण अनशन आप लोग करें, किसी ने नहीं कहा कि आप मत कीजिए, हम कोई आश्वासन देते हैं हम देखेंगे? नहीं, मुझे कई लोगों ने फोन किया, सांसदों ने फोन किया, कई मंत्रियों ने फोन किया, वो बहुत दुखी है इससे। आज सुप्रिया सुले आई थी वो भी बोली भगवान की सेवा मतलब हमारे सीनियर सिटीजन और माँ बाप की सेवा होती है। और राउत जी ने उस दिन इतना सुंदर भाषण उस दिन किया और तब सबके आंख में पानी आ गया था और उन्होंने जो पीड़ा बताई वो इतनी दर्द वाली थी कि अगर कोई नाना नानी और दादा दादी उनके मेहनत के पैसे वेरी विश्वास के नाते से उन्होंने दिए हैं सरकार को और सरकार ने रखे और उनके बेटे पोता या पोती का जन्मदिन होता है उसको एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे पाते और घर में अगर इज्जत से उस बीवी के लिए बहू के लिए कुछ लाना भी चाहते हैं तो उनके पास ठीक से पैसे भी नहीं है जो उनके हक का पैसा है। तो मेरी 3 मांगे हैं जो राउत साहब ने ही उस दिन कही थी, मैं सिर्फ कह रही हूँ 3 बार जिसको हम पूरा ताकत से समर्थन करते हैं। एक तो ये जो इनका हक का पैसा है वो आपको मिलना ही चाहिए और इमीडिएटली मिलना चाहिए। दूसरा कि जो इंडेक्स होता है महंगाई का वो आप पर भी लागू हो, जैसे सरकार में आज जाम कार गए उनको महंगाई का भत्ता मिलता है तो हमारे सीनियर सिटीजन के लिए क्यों नहीं मिलना चाहिए। और तीसरी जो आपकी मांग है वो कि अगर मियाँ या बीवी दोनों में से कोई भी चल बसे तो उसके बाद वो पूरा पैसा उस फैमिली को उस तरह से ही मिलना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मेडिकल में उनको पूरी राहत मिलनी चाहिए क्योंकि बहुत महंगा हो रहा है मेडिकल आज और सरकार कह रही है कि वो उसकी गारंटी दे रही है तो सरकार दे रही है तो अच्छी बात है लेकिन पहला हक किसी का होगा तो जैसे हमारे बच्चों का है वैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स का भी है उतना ही। और आज हम किसके जिम्मे खड़े हैं? हम खड़े क्यों हैं? क्योंकि हमारे माँ बाप ने कुछ त्याग किया इसीलिए तो हम खड़े हैं। हमारी क्या औकात? हमारे माँ बाप नहीं होते तो हमको कौन पूछता? और इसीलिए ये जो हमको हमारा भारतीय संस्कार सिखाते हैं उनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि अगर संस्कारी हो तो पहले अपने घर के बुजुर्ग जो है उनका मान सम्मान करो। तो अगर ये जो सरकार आज देश में है वो
अगर कुछ करना चाहती है तो पहले हक ईपीएस 95 को, इनके मेहनत का पैसा उनको इमीडिएटली मिलना चाहिए। मैंने कल हिमांश का ड्रांस जो हुआ तब हेमा जी का ही मैं रेफरेंस किया, क्योंकि हेमा जी इन सबको मोदी जी को मिलने लेके गए। तो हेमा जी अब बहुत अच्छी सांसद है, वो भी हम पार्टी एक तरफ और हमारी संस्कृति और हमारे सारे बुजुर्ग एक तरफ, इसमें कोई राजनीति हम नहीं लाएंगे। ये राजनीतिक विषय नहीं, हमारे लिए इमोशनल विषय है और सबका मान सम्मान करने के लिए जो भी रहेगा। आपकी ये बेटी, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी लड़ेगी आज। और हेमा जी भले दूसरे पार्टी में हो लेकिन हमारी बड़ी नेता है, हमारी बड़ी बहन है, तो हेमा जी का भी हम साथ में लेंगे। और ईपीएस 95 के इससे आगे ठंड में आप नहीं स्वेटर पहन के बढ़ेंगे, फिर हमारे को लेके कैसे बच्चे हम? आपके सब सीनियर सिटीजन को आप यहाँ ठंड में बैठा रहे हो, तो हम आपके बच्चे हैं और आपको न्याय देके रहे। और एक बात, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें ईपीएस 95 और सारी मांगे हम पूरी ताकत से डालेंगे। ये हमारी महाराष्ट्र की शान है, सुप्रिया दाऊ जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सुबह मैं हेमा मालिनी जी से मिला, उन्होंने मुझे जानबूझकर ये कहा कि सुप्रिया जी सुले ने आपका मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है, उनको अपनी तरफ से धन्यवाद कीजिए। तो मैं अपनी सबकी तरफ से, और दूसरी बात आज उनके पिताश्री माननीय शरद पवार जी का जन्मदिन है, उसके भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सब, ये आपका बड़प्पन है और आप सबका आशीर्वाद। एक मिनट, उद्यापासून आम्ही आमरण अनशनवर बसणार आहे, याची तुम्ही काळजी घ्या। आम्हाला जिवंत ठेवायचे का मारून टाकायचे तुम्ही ठरवा, इतकेच बोलतो। आम्ही बसणार आहे, बसणार आहे। धन्यवाद, धन्यवाद। उद्यापासून इथे अनेक लोक, अनेक वृद्ध आमरण उपोषणावर याच स्टेजवर बसणार आहेत। आम्ही सरकारला मागचे 5 दिवसापासून आम्ही उपोषण करत आहे, ते क्रमिक उपोषण होतं, चेन हंगर स्ट्राईक होता। आता आम्ही सरकारला काल आणि आजचा संसद चालू असतानाचा वेळ दिला, यानंतर आम्ही ठरवलेलं आहे घरात बसून, घर में बैठ के सरते सरते मरने से अच्छा है हम यहाँ बैठ के लड़ते लड़ते मरेंगे। हेमा जी भी बोली, लेकिन हम अपने बात पे अड़ी गए क्योंकि बहुत आश्वासन हो चुके हैं। अभी हम या तो हमें मरना है या जीतना है, हमें निर्णय चाहिए, हमें निर्णय चाहिए। सवाल यह है कि इस देश में जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने जीवन भर नौकरी करी है, अपने पैसे उन्होंने जमा करवाए थे किसी उम्मीद के साथ में, उनके पैसे तक उनको वापस मिलने वाला नहीं है। और उसके एवज में जो पेंशन मिलना था 20-20 लाख रुपए जमा करने के करीब औसत में, किसी को 1000 किसी को 1500, तो कह रहे हैं कि इस जीवन से अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है लड़ते हुए, ताकि कम से कम ये तो पता चले कि हाँ हमारी जीत हुई, मर के ही जीत हुई। क्या हम कह सकते हैं कि जीत नहीं जीत मिलेगी? अगर हम जीतते हैं तो हमें बची खुची जिंदगी स्वाभिमान से जी सकते हैं, लाचार और जिल्लत की जिंदगी लाचार बनकर हम नहीं जीना चाहते। हमारा देश है, हमारा पैसा है, और हमारी इस उम्र में अगर ये हालत है तो इसको सुधरना चाहिए। इस उम्र में ये हालत है, कोशिश तो ये थी, पैसा इन्होंने इसीलिए जोड़ा था कि अपने जब वो ये जब रिटायर करें तो आत्मनिर्भर रहे। लेकिन हम कह सकते हैं एक तरीके से, जिस तरह से इनके ईपीएस 95 के तहत जिस तरह से इनको मजबूर किया गया है नौकरी जिंदगी भर करने के बाद भी, जिस उम्मीद में पेंशन इन्होंने जमा किया था ईपीएस के तहत, वो कहीं ना कहीं 1000-1500 रुपए इनको मिला, उसमें क्या मेडिकल हो सकता है, क्या खाएंगे, क्या गैस खरीदेंगे, क्या सब्जी भाजी कर देंगे, और क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, और क्या बेटी की शादी करेंगे? तो जीवन भर नौकरी करने के बाद हम कह सकते हैं कि आज के वक्त में इस देश के करोड़ों लोग जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, वो रोड पे ऑलरेडी आ चुके हैं। और हम कह सकते हैं कि एक तरह से भीख मांगने के लायक भी लोगों को बक्सा नहीं है कि जिसने जीवन भर स्वाभिमान से जिया हो वो क्या इस उम्र में जाके भीख मांगेगा? ये सरकार को सोचना चाहिए। आखिरी बात, कल से तय है आमरण अनशन? बिल्कुल तय है, कल से हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। मैं खुद बैठूंगा, और लोग भी बैठेंगे, कई लोग बैठ रहे हैं। सबसे पहले हम हैं, बहुत की उम्र देखिए ये बैठे हैं। हाँ, कल हमारे सब पे आप देख सकते हैं कब से सरकार को अपना बैठे हैं, क्योंकि
आप रहेंगे तो आगे मामला देखेंगे, हम बैठेंगे। चलिए, सबकी 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 बहुत इमोशनल जुड़ी बात, इमोशनली बहुत जुड़े हुए हैं। और ये कह रहे हैं कि कमांडर साहब कंसर्न पे ना बैठे, लेकिन मैं जानता हूं कि एक फौजी ऐसा होता है जो लड़ाई में सीधा सामने से लीड करता है, वो पीछे रहने वाला नहीं है। तो कमांडर साहब तो खुद ही कह रहे हैं कि कल से आमरण अनशन पे बैठेंगे। ये खुद नेवी से रिटायर्ड है, तो इनकी उम्र भी 60 से ज़्यादा है। लेकिन तमाम वो प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट में नौकरी करने वाले लोग कहते हैं कि इस जिंदगी से बदतर है कि लड़ते लड़ते मर जाना। नमस्कार।